मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट। कल हमने इसमें पढ़ा था व्हाट इज ग्रेविटेशन, द फोर्स दैट इज अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। कैरी करते हैं इसको आगे की ओर। इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट गो अराउंड द सन। हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। बाय आर्ग्यूइंग इन द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे सन के चारों ओर अर्थ और सारे प्लैनेट मूव करते हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जो उन्हें ऐसा करने के लिए क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फ्रॉम द अबव फैक्ट न्यूटन कंक्लूड दैट नॉट ओनली दोज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून बट ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया कि केवल एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसे फोर्स को जो ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में लगते हैं और वो क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल। हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में जो प्रेजेंट है वो अट्रैक्ट करता है हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को विद एक फोर्स के साथ जो प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनका जितना मास होता है, जितना दोनों ऑब्जेक्ट का मास होता है उनके प्रोडक्ट के वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका वो क्या होता है, इनवर्सली उनके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। द फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। और जो फोर्स अप्लाई होता है वो कहाँ से होता है, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में होता है, ठीक है। तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है फिगर 10.2 में टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है जो साइज में थोड़ा बड़ा है और एक ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। दोनों का मास अगर हम देखें, ए ऑब्जेक्ट का मास एम है और बी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल एम। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के बीच में वो क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम इंटू एम वन, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है डी उसके स्क्वायर के बराबर, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम एम अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो जी लिखा है इस फॉर्मूला में वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं, एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी द मास एम एंड एम लाई एट द डिस्टेंस टी ईच अदर एज सोन इन फिगर 10.2। जैसे आपको 10.2 में दिखाया गया है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जिनका मास भी डिफरेंट है वो एक दूसरे से डी डिस्टेंस में क्या है, रखे हुए हैं। लेट अस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बी एफ, और उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, एफ वाई है। और अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो हमेशा जो फोर्स लग रहा है
किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो किसके इक्वल होता है? किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट का जो मास है उनके प्रोडक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज एफ इक् डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इन टू एम, ठीक है। एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि एफ इक्वल टू एम इन टू एम भी होता है और एफ इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर भी होता है। कॉम्बाइनिंग इक्वेशन 10.1 एंड 10.2 वी गेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, और अगर हम इसे इक्वल टू में कन्वर्ट करें तो हमने यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लगा लिया जी, यानी कि एफ हो गया एफ इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, वेयर जी इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। और इसको क्या बोला जाता है? इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट भी से बोला जाता है। बाई मल्टीप्लाइंग क्रॉस वाइज वी गिव्स, अगर हम इन दोनों को आपस में क्या करें एक दूसरे के साथ क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ पर जी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ इंटू डी स्क्वायर, यहाँ से हमने जो डी है उसको यहाँ से हमने यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफ इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? जी एम इंटू एम, ठीक है। या फिर जी का वैल्यू निकल के आ जाएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। द एसआई यूनिट ऑफ जी कैन बी ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द यूनिट ऑफ फोर्स डिस्टेंस मास इन इक्वेशन 10.5 में। अगर हम फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। डिस्टेंस का मीटर होता है और मासेस का क्या होता है? केजी होता है। तो अगर हम इन सब को इसमें रखें तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर हो गया न्यूटन, मीटर, स्क्वायर, और नीचे क्या है? मास, और मास केजी इंटू केजी क्या हो गया? केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो ऐसा यूनिट हो गया वो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाइंड आउट बाई हेनरी कैवेंडिश इन 1731 में इनका बर्थ हुआ था, ये इनका बर्थ और डेथ पीरियड है, बाई यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस। और उन्होंने क्या किया था? एक सेंसिटिव बैलेंस का यूज़ करके वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट किया था। तो जी जो है वो एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। तो जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ये जी की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? इक्वल रहती है, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है। वी नो दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, हम जानते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर हैं तो उनके बीच में क्या लग रहा है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड यूअर फ्रेंड सिटिंग क्लोजली, आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपका दोस्त और आप कहीं पर बैठे हैं साथ में तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ठीक है। कैसे? जिसका मास ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन फिर भी क्या होता है? आप साथ में बैठे रहते हैं और उस फोर्स को अपने आप में क्या नहीं करते हैं? फील नहीं करते हैं, ठीक है। मोर टू नो, आपको यहाँ पर जानने के लिए और भी चीज़ें हैं। क्या है? द लॉ ऑफ यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल।
चाहे इस यूनिवर्स में कैसा ही भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो बिग हो या फिर वो स्मॉल हो, तो उन सब में क्या लगता है, यूनिवर्सल लॉ लगता है। ठीक है, वेदर दे आर क्रिस्टलाइन और सॉरी सेलेस्टियल और टेरिस्ट्रियल, चाहे वो एक्वेटिक हो या फिर वो टेरिस्ट्रियल रेल में रहने वाला हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस यूनिवर्स में है, वो उसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होते हैं। इनवर्स स्क्वायर, सीइंग दैट एफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल इफ यू द डी गेट बिगर देन द फैक्टर इज सिक्स, फैक्टर ऑफ सिक्स एफ बिकम्स 1/36 टाइम स्मॉलर। अगर क्या है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, ठीक है, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो जो फोर्स है अप्लाई होने वाला वो भी अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप समझ रहे होंगे इस बात को। इसके बाद आपको एक क्या दिया है, एक न्यूमेरिकल दिया है सॉल्व करने के लिए, इसको आप देखें बुक में अपने। इम्पोर्टेंट ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपने पढ़ लिया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स दैट इज़ इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या इम्पोर्टेंट इस चीज़ के अंदर है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना विच वेयर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड, जैसे द फोर्स दैट बाइंड अस ऑन द अर्थ, हम अर्थ के ऊपर कैसे बाइंड हैं, कैसे खड़े रहते हैं, कैसे बैठते हैं, इसके लिए भी जो फोर्स हमें बैठाने में या फिर खड़े रहने में हेल्प कर रहे हैं, वो भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर जो मून मोशन में है उसका रीजन भी ग्रेविटेशन फोर्स है। द मोशन ऑफ प्लानट अराउंड द सन, और इसके अलावा द टाइड ड्यू टू द मून एंड द सन, सन की वजह से ओशियंस में या फिर सी वगैरह में क्या होते हैं, टाइड आते हैं, तो उसका रीजन भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी, वी शैल लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट, हमने जाना कि जो अर्थ है वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को अपने ओर अट्रैक्ट करती है। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किस वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड द अर्थ अंडर द फोर्स अलोन वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल, तो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो केवल उस फोर्स की वजह से अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, फ्री फॉल वाली स्टेट में है। ठीक है, हम उसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं कोई फोर्स, केवल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ है उसमें अप्लाई कर रहे हैं। अगर उस फोर्स के द्वारा अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो फ्री फॉल है। इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, क्या ऐसे में जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज होगा, वाइल फॉलिंग देयर इज़ नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जबकि उसके जब वो फॉल हो रहा होगा तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, वो केवल नीचे की ओर ही आएगा। ठीक है, बट ड्यू टू द अर्थ एक्सीलरेशन अट्रैक्शन देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, बट क्या होगा, अर्थ के जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से वेलोसिटी में जरूर चेंज होगा। एनी चेंज इन द वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सीलरेशन, तो अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन भी हो रहा होगा। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड द अर्थ एन एक्सीलरेशन इज इन्वॉल्व, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर अगर फॉल हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, एक एक्सीलरेशन जरूर इन्वॉल्व होगा। दिस एक्सीलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स,
और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाई जी, और इसको हमेशा स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है जी। और जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, उसको हमेशा स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। उसे क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और द यूनिट ऑफ जी इज सेम एज द एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड। जैसे एक्सेलरेशन की जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, वैसे ही जी की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।